हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीन दिवसीय तिल चतुर्थी उत्सव इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर मनाए जाने की तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। इसी क्रम में पहले दिन भगवान को 1.25 लाख तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। यही इस बार करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु तीन दिनी उत्सव में आने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर के प्रमुख पुजारी ने बताया कि 3 दिवसीय तिल चतुर्थी उत्सव के लिए 1.25 लाख लड्डुओं का निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह उत्सव 13, 14 व 15 जनवरी को खजराना स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिर पर सोने के मुकुट के साथ ही हीरे मोतियों से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा व पुष्प सज्जा के साथ ही मंदिर का आकर्षण बढ़ाने के लिए तमाम तरह की साज सज्जा की जाएगी। मंदिर प्रमुख की माने तो इन 3 दिनों में करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु भी खजराना मंदिर पर पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। मंदिर में सिद्धिनायक मंदिर में जो हर साल मेला लगता है, इसमें तिल चतुर्थी का मेला 3 दिवसीय मेला है, 13, 14, 15। तो पहले दिन भगवान जी को 1.25 लाख लड्डू का भोग लगेगा, जो लड्डू का निर्माण चालू है, और भगवान जी को सोने के मुकुट चढ़ाया जाएगा, मोतियों का श्रृंगार किया जाएगा, फूल सज्जा फूलों का बंगला बनेगा और सारी तैयारियां भी चल रही है। कितने लोगों की यहाँ पे आवक होगा? इसमें करीब चतुर्थी है उस दिन करीब 2-2.5 लाख पब्लिक आएगी। कितने क्विंटल लड्डू? 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा। आपको बताना चाहेंगे कि श्री खजराना गणेश मंदिर पर बीती 1 जनवरी को करीब 8.5 लाख श्रद्धालुओं के आने के बाद यहां एक विश्व कीर्तिमान बना है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का आकर्षण इस मंदिर की ओर बढ़ गया है।